बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी क्षितिज का पहला पाठ दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं पाठ का सारांश, आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। प्रेमचंद द्वारा लिखित पाठ दो बैलों की कथा की विधा कहानी है। इस कहानी में भावात्मक कथा के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित किया है। लेखक ने यहाँ बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए अनेक बार संघर्ष करना पड़ता है, अनेक तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। कथा के आरंभ में लेखक ने बताया है कि सभी जानवरों में गधे को सबसे बड़ा मूर्ख समझा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना हो तो उसे गधा कहेंगे। दूसरे जानवर आवेशित यानी कि नाराज हो सकते हैं। गायें सींग मारती हैं, ब्याही हुई गाय तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। गधा अपने सीधेपन और सहिष्णुता के कारण कभी क्रोधित नहीं होता। बैसाख के महीने को छोड़कर उसे कभी खुश नहीं देखा जा सकता। वह किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। उसका स्वभाव ऋषि मुनियों जैसा है। इसी तरह विदेशों में हमारे देश के लोग अपनी दुर्दशा को सहन करते हुए जीवन आदर्श को नीचा करते हैं। यदि वे विरोध करते तो सभ्य कहलाने लगते। जापान एक ही विजय से पूरे संसार में जाना जाने लगा है। लेखक बताता है कि गधे का छोटा भाई बैल है, जो अपने अड़ियल स्वभाव के कारण गधे से नीचे है। आगे लेखक कहता है कि झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो सुंदर बलवान बैल थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी और सभी तरह के काम साथ साथ ही करते थे। दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते थे और एक दूसरे से मूक भाषा में बातें भी करते थे। एक बार झूरी का साला गया बैलों को अपने घर ले जाता है। बैलों को लगा कि उनको बेच दिया गया है। वे गया को पूरे रास्ते परेशान करते हैं। वे मन ही मन झूरी के विषय में सोच रहे थे। शाम के समय वे अपने स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्हें सब कुछ पराया लग रहा था। भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। रात के समय वे अपनी रस्सियाँ तोड़कर झूरी के घर वापस लौट आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें नमक हराम कहती है। झूरी कहता है कि उनको चारा दाना नहीं दिया गया होगा। ताव में आकर झूरी की पत्नी ने पशुओं की देखरेख करने वाले को कहा कि इन्हें केवल सूखा भूसा दिया जाए। वैसा ही किया गया। झूरी की भी बात नौकर नहीं मानता। अगले दिन झूरी का साला बैलों को फिर ले गया। घर जाकर उनको मोटी रस्सियों से बांधकर सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों ने नांद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता लेकिन बैलों ने अपना एक भी पांव नहीं उठाया। गया ने जब हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती को गुस्सा आ गया। वह हल लेकर भागा, जिससे हल जुआ जोत सब टूट गए। हीरा मोती को समझाता है कि भागना व्यर्थ है और अब की बार बहुत मार पड़ेगी। मोती उसे मजा सिखाने की बात कहता है तो हीरा उसे समझाता है कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। गया उनके तेवर देखकर चुपचाप उन्हें पकड़कर ले गया और वही सूखा भूसा डाल दिया। कुछ समय बाद एक छोटी लड़की उनके मुंह में एक एक रोटी दे जाती है। उन्हें लगा कि यहाँ भी कोई सज्जन है। उस लड़की का पिता भैरों था। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। दिन भर बैल काम करते और शाम को सूखे भूसे के साथ लड़की के हाथ से रोटी खाकर खुश रहते, लेकिन उनकी आंखों में विद्रोह की भावना थी। मोती एकाद को मारने की बात कहता तो हीरा उसे समझाकर शांत कर देता। फिर वह वहाँ से भागने की बात कहता है तो हीरा सहमत हो जाता है। जब लड़की उन्हें रोटी खिलाने आती है, उनकी रस्सी खोल देती है और शोर मचाते हुए भागती है कि बैल भागे जा रहे हैं।
दोनों बैल वहाँ से भागे। भागते भागते वे रास्ता भूल गए और नए नए गांव देखकर खेत के किनारे खड़े होकर दोनों सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। भूख की व्याकुलता के कारण वे पास के खेत की मटर को चरने लगे। पेट भर जाने के बाद दोनों मस्ती में खेलने लगे। तभी उन्हें एक सांड अपनी ओर आता दिखाई दिया। उन्हें दोनों तरफ से जान मुसीबत में नजर आती है। वे वहाँ से भागना कायरता समझते हैं। वे दोनों योजना बनाते हैं कि एक के आगे एक आगे से और दूसरा पीछे से उस पर वार करेगा। ऐसा ही हुआ। सांड जख्मी होकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। दोनों ने उसका पीछा किया। भागते भागते सांड बेदम होकर गिर गया। मोती उसे मारने की बात करता है तो हीरा कहता है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। फिर उन्हें घर पहुंचने की चिंता होती है। मोती कहता है कुछ खाकर फिर सोचेंगे। वह मटर के खेत में घुस गया। हीरा ने उसे मना भी किया। तभी दो आदमी लाठियां लेकर उन्हें घेर लेते हैं। पानी के कारण मोती के खुर कीचड़ में फंसने लगे। वह भाग नहीं सका। मोती को फंसा देखकर हीरा भी वहाँ लौट आया। दोनों को पकड़कर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। आगे लेखक कहता है दोनों बैलों को मवेशी खाने में पूरे दिन भूखा रहना पड़ा। वहाँ पर कई भैंसे बकरियाँ घोड़े गधे मुर्दों की तरह पड़े थे। जब रात को भी खाने को कुछ नहीं मिला तो हीरा विद्रोही स्वभाव में मोती से भूखे न रह सकने की बात कहता है और भागने का कोई उपाय ढूंढता है। फिर वे बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ने की सलाह बनाते हैं। हीरा अपने सींग के प्रहार से दीवार को तोड़ना आरंभ करता है। वहाँ का चौकीदार उसे डंडे से पीटकर मोटी रस्सी से बांध देता है। उसके बाद मोती दीवार पर टक्कर मारने लगता है। वह आधी दीवार गिरा देता है। घोड़े बकरियाँ भैंसे तो वहाँ से चली गई किंतु गधे खड़े रह गए। हीरा द्वारा पूछने पर एक गधे ने कहा कि फिर पकड़ लिए गए तो हम यहीं पड़े रहेंगे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ना चाहता है किंतु तोड़ न सका। हीरा उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन मोती उसे छोड़कर नहीं जाता है। हीरा उसे कहता है कि तुम्हें मार पड़ेगी। तब मोती कहता है 9-10 प्राणियों की जान बचाई है, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती गधों को सींगों से मार मार कर भगा देता है और स्वयं हीरा के पास आकर सो जाता है। सुबह होने पर वहाँ खलबली मच गई और मोती की खूब पिटाई करने के बाद उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। आगे लेखक कहता है दोनों बैलों को एक सप्ताह तक भूखा बांधा गया। दिन में केवल एक बार पानी पिलाया जाता जिस कारण वे बहुत कमजोर हो गए। एक दिन उन दोनों बैलों को नीलाम कर दिया गया। एक दड़ियल डरावनी शक्ल का आदमी उन्हें खरीद लेता है। हीरा और मोती दोनों भयभीत होकर भगवान को याद करते हैं। उन दोनों को भगवान पर भरोसा है। उस दड़ियल के भय से दोनों हिम्मत न खोते हुए भी भाग रहे थे। अचानक उनको रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा। उनकी थकान दूर हो गई और चाल तेज हो गई। अपने गांव के आने पर दोनों भागकर अपने बांधने के स्थान पर आकर खड़े हो गए। झूरी अपने बैलों को देखकर खुशी के मारे रोने लगता है। दड़ियल आकर बैलों की रस्सी पकड़ लेता है। झूरी उसे बैल नहीं ले जाने देता है। जब वह बैलों को जबरदस्ती ले जाना चाहता है तो मोती उसे सींग मारता और उसका पीछा करता है। दड़ियल डरकर भागता है और गांव से बाहर पहुंचकर गालियां देता है और पत्थर फेंकता है। इस तमाशे को देखकर गांव के लोग हंसते हैं। दड़ियल वहां से चला गया। हीरा और मोती मूक वार्तालाप करते हैं। थोड़ी देर में ही उनके लिए खाने का अच्छा प्रबंध हो गया। झूरी दोनों को सहलाने लगा। उसकी पत्नी आकर दोनों को प्यार से चूमती है। तो बच्चों ये था यहाँ पर दो बैलों की कथा पाठ का सारांश जो कि हमने आपको पढ़कर सुनाया। उम्मीद है कि आपके समझ में भी आया होगा। इसके बाद आइए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो बच्चों आप ध्यान दें, इस पाठ में आपका पहला प्रश्न है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो आप जानते हैं क्यों ली जाती थी हाजिरी। उत्तर लिखेंगे कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती है। वहाँ निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। और पहला कारण क्या होगा, पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता रहे। दूसरा कारण पशुओं की सेहत की जानकारी और पहचान रखने के लिए।
तीसरा कारण आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से इन सब बातों के लिए कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी ली जाती थी, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न है और इसका उत्तर। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, यानी कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो उत्तर लिख सकते हैं आप, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। और क्या कारण है? नंबर एक, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, वह माँ के बिछोड़ने का दर्द जानती थी, उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। दूसरा कारण ये था, जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों मड़ाया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। और उत्तर लिखेंगे आप, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नंबर एक, एकता में शक्ति होती है, अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। दूसरा, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता है। और नंबर तीन, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। और चौथा, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। एक, दो, तीन, चार करके आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ यानी कि मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। उत्तर आप लिखेंगे, गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि उसका सरल स्वभाव होता है। उत्तर आप लिखें, गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है, उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। तो इस प्रकार से आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये चौथा प्रश्न आपका और इसका उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा बच्चों, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो आपने पाठ तो पढ़ा था और उनकी दोस्ती के किस्से भी आपने पढ़े, तो आपको मालूम हो गया होगा। चलिए उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे क्या क्या पहचान थी? नंबर एक, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, ठीक है। दूसरा, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता था, ठीक है। और तीसरा लिखेंगे, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। तो इनसे पता क्या चलता है? इन सारी बातों से मालूम होता है कि उनमें दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। अगला प्रश्न है बच्चों छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। और उत्तर आप लिखेंगे, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित होती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं,
इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये छठा प्रश्न है यहाँ पर, और इसका उत्तर आप यहाँ से देखकर लिखें, याद भी करें बच्चों साथ साथ। और सातवां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने, सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं ना, ये छठा प्रश्न है आपका। सातवां प्रश्न है बच्चों, और इसका उत्तर अगला प्रश्न है आठवां आपका, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। ये आठवां प्रश्न आपका। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? नंबर एक, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। दूसरा, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। तीसरी विशेषता, मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। और चौथी विशेषता, मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। पांचवी विशेषता लिखेंगे बच्चों, मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। ठीक है, किसने? मोती ने। तो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आठवां प्रश्न है आपका, और इसका उत्तर यहाँ से देख के लिखें। इसके बाद है अगला प्रश्न जो आता है नौवां, इसमें आशय स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर जो है 9.1 यानी कि 9 का पहला प्रश्न आप देखेंगे, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो यहाँ पर आशय क्या लिखना है आपने, आशय स्पष्ट करना है। उत्तर लिखेंगे, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे, है ना? और आगे लिखेंगे, यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती। वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके, अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता। क्या समझे आप इस प्रश्न के उत्तर में? यहाँ पर आप आशय स्पष्ट करेंगे, हीरा मोती में मानवीय बहुत सारे गुण थे जिसके कारण वे एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते थे, जो कि अक्सरतः मनुष्यों में भी देखने के लिए नहीं मिलता। ऐसे गुण जो है अगर मिलते हैं तो अपने स्वार्थ के कारण मिलते हैं। अगला है यहाँ पर 9.2 में, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानव भोजन मिल गया। तो यहाँ पर जो है इसका आशय स्पष्ट करेंगे आप, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण और सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। क्या समझे आप? प्रेम ही आत्मा का भोजन है, इसलिए जो हीरा और मोती उस लड़की से काफ़ी प्रसन्न हुए थे और उन्हें उसमें अपनापन दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर जो है आशय स्पष्ट कर लेंगे आप 9.2 का। और इसके बाद जो है दसवां प्रश्न है बच्चों, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि? तो यहाँ पर जो है आपके लिए यहाँ पर कह कह गए गए चार हैं, और इनमें से आपको एक छांट के लिखना है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो कह है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, या गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, या वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, या उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो आप उत्तर में लिखेंगे, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ठीक है, ये होगा आपका उत्तर। और इसके बाद बच्चों आगे प्रश्न आते हैं, रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। 11वां प्रश्न आपके लिए,
हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। फिर से पढ़ें एक बार प्रश्न। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो आप अपने विचार लिख सकते हैं, चाहे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं और चाहे ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियाँ और डंडे खाए, फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ, शोषित को भय और यातना के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको बताया गया, और चाहे अपने हिसाब से भी आप अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है बच्चों, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? तो उत्तर लिख सकते हैं आप, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी दो बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। ये अपने देश यानी कि झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश में यानी कि उसके साले के घर में रहना पसंद नहीं। स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा को डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। ये हमारे क्रांतिकारियों के उस संघर्ष की याद दिला देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली। आई बात समझ में? तो आप लिख सकते हैं ना 12वें प्रश्न का उत्तर, एक क्रांतिकारियों के रूप में इन दो बैलों को माना गया है। आगे है बच्चों भाषा के अध्ययन के प्रश्न यहाँ पर, और भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न यहाँ पर 13वां प्रश्न आप कह सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। और यहाँ पर जो है ही, इतना ही काफ़ी है फिर मैं भी, तो यहाँ पर ध्यान दें आप ही और भी पर, ठीक है। ही भी, फिर से पढ़ें, ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे शब्दों को? निपात। याद रखेंगे कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। तो यहाँ पर जो है कहानी से सबसे पहले 5 वाक्य छांटेंगे आप ही निपात वाले। कैसे? ही वाले। तो यहाँ पर पहला होगा, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो यहाँ पर ही आ गया ना, तो ये क्या है? निपात। अवश्य। दूसरा है अवश्य ही, तो यहाँ पर ही है। उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, तो यहाँ पर जो है ही निपात है। और इसी प्रकार नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही बैठते, साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे, तो साथ ही उठते थे बैठते थे, तो ये यहाँ पर क्या है? ये ही पे जोर दिया गया है, तो ये क्या है? ही निपात है। इसी प्रकार से चौथा लिखेंगे आप, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, तो यहाँ पर क्या है? भी, तो यहाँ पर ये भी क्या है? निपात है। पांचवा है, अभी 4 ही ग्रास खाए थे, दो आदमी लाठियाँ लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया, तो यहाँ पर ही क्या? फिर ये ही निपात है। इसी प्रकार से अगला है भी निपात के लिए, देखते हैं यहाँ पर, कुत्ता भी मतलब जोर देकर कहा गया, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, तो यहाँ पर क्या है? बी जो है निपात है। इसी प्रकार दूसरे में, उसके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया रहता, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा, तो यहाँ पर किसी भी, तो बी पर जोर देकर कहा गया है, तो ये क्या है? निपात है। इसी प्रकार तीसरा देखेंगे, तीसरे वाक्य में 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी, तो भी क्या है? निपात है, बदनाम है, बी पर काफ़ी जोर दिया गया है। और चौथा है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी निपात है, महत्वपूर्ण थी। और पांचवा है, झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी जोर देकर कहा गया, न छूता था उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी, तो यहाँ पर भी क्या है? निपात है। कि ऐसे जो है जहाँ पर जो है जोर देकर किसी बात को कहा जाता है, यहाँ पर क्या होता है? निपात। अगला प्रश्न है बच्चों 14वां है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांट कर उसके भी भेद लिखिए। तो यहाँ पर जो है क्या है आपके लिए? दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आप मिश्र वाक्य, और मुख्य वाक्य लिखेंगे अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, ठीक है।
और गौण उपवाक्य में क्या लिखेंगे, दीवार का गिरना था। आई बात समझ में। इसी प्रकार ख वाला है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख देंगे मिश्र वाक्य। क्या लिखेंगे, मिश्र वाक्य। मुख्य उपवाक्य होगा इसमें सहसा एक दड़ियल आदमी आया, और गौण उपवाक्य होगा जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। ठीक है, इसके बाद अगला है हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। और मुख्य उपवाक्य इसमें हीरा ने कहा, और गौण वाक्य है, गौण उपवाक्य गया के घर से नाहक भागे। इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। फिर है घे वाला, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। और यहाँ पर जो है मुख्य उपवाक्य क्या है, तो बिकेंगे, और गौण उपवाक्य है, मैं बेचूंगा। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। उत्तर में आप लिखेंगे मिश्र वाक्य, और मुख्य उपवाक्य बताएंगे मैं बेमारे न छोड़ता, और गौण उपवाक्य अगर वह मुझे पकड़ता। आई बात समझ में। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगला 15वां प्रश्न है बच्चों, कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कहानी से आपने 5 मुहावरे छांटने, चलिए पहला होगा हिम्मत हारना यानी कि निराश होना, इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया है। इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं पहला मुहावरा। दूसरा लिखेंगे टकटकी लगाना यानी कि निरंतर देखना, वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। आई बात समझ में। तीसरा मुहावरा लिख सकते हैं आप जान से हाथ धोना यानी कि मर जाना, यह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और इसके बाद है अगला ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कड़ी प्रतिक्रिया देना, और वाक्य बना सकते हैं आप युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगला 5वां लिख सकते हैं दांतों पसीना आना यानी कठिन परिश्रम करना, वाक्य लिखेंगे इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीने आ गए। प्रकार से आपके इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के सारे उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको पूरे पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारियाँ कर सकते हैं, इन्हें अच्छे से याद करें। मिलते हैं फिर दूसरे पाठ में कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ। लेते हैं तब तक आपसे विदा, आपका दिन शुभ हो।